गाइज, आज एप्पल इवेंट में बहुत सारे एप्पल के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आगे चलकर वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले एप्पल के आईपैड से स्टार्ट कर लें तो आज दो आईपैड एप्पल ने अनाउंस किए हैं। सबसे पहला है एप्पल आईपैड 9 और दूसरा है एप्पल आईपैड मिनी 6। एप्पल आईपैड 9 से स्टार्ट करें तो यहाँ पर 10.2 इंचेस का एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यहीं पर एप्पल आईपैड मिनी 9 में 8.3 इंचेस का डिस्प्ले दिए गए हैं, तो यहाँ पर एप्पल 9 के कंपैरिजन में अगर देखें तो थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले है। दोनों आईपैड्स में आईपैड ओएस 15 चल रहा है, तो अच्छी बात है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह आपको अच्छी मिल जाएगी, न्यू फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आईपैड 9 में एप्पल की A13 बायोनिक चिप लगाई गई है, लेकिन वहीं पर एप्पल के आईपैड मिनी 6 को बिल्कुल पावरफुल बना दिया गया है और यहां पर यूज़ की गई है एप्पल की A15 लेटेस्ट आईफोन 13 सीरीज़ वाली बायोनिक चिप, तो यहां पर 5G वगैरह का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, एप्पल आईपैड मिनी 6 इस बार काफ़ी पावरफुल चिपसेट वाला आईपैड हमें देखने को मिल गया है। दोनों ही आईपैड्स में टच आईडी का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 12 मेगापिक्सल के कैमरास हैं, 4K वगैरह आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड सेंसर भी एप्पल आईपैड 9 में हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही एप्पल आईपैड मिनी 6 में USB टाइप सी का भी पोर्ट दिया गया है, तो यूनिवर्सल पोर्ट अब हो गया है, तो USB टाइप सी से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। आईपैड्स काफ़ी ज़्यादा स्लीक्स नए डिज़ाइन के साथ हमें देखने को मिले हैं। नए यहाँ पर कलर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और जो बेजल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर थोड़े से कम कर दिए गए हैं। ओवरऑल आईपैड्स को काफ़ी परफॉर्मेंस सेंट्रिक यहाँ पर बना दिया गया है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो एप्पल का आईपैड 9 स्टार्ट होता है $3,329 से, और यहाँ पर जो इसका एजुकेशन वाला वेरियंट होने वाला है यानी कि स्टूडेंट एडिशन, वो $300 पे से स्टार्ट होने वाला है। यानी कि अगर हम प्राइस को कन्वर्ट करें तो 25 से 30 हज़ार के बीच में आप इन आईपैड्स को परचेज कर पाओगे। हो सकता है इंडिया में आते आते इनकी प्राइस जो है 30,000 के पार भी जा सकती है। एप्पल आईपैड मिनी 6 के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस $500 से स्टार्ट होती है, जो कि करीब करीब 40,000 के ऊपर जाएगी जब भी इंडिया में आएगा। इसके बाद एप्पल वॉच 7 के बारे में बात कर लें तो इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एप्पल ने यहाँ पर अनाउंस किया है। ECG, स्लीप मॉनिटरिंग, फिटनेस प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। साथ ही ऑक्सीजन जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो भी इस वॉच के साथ यहाँ पर अनाउंस किया गया है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो करीब करीब $400 जो है इसकी प्राइस है, और कन्वर्ट करें तो ये भी 25,000 के ऊपर जाती है। इंडिया में पहुंचते 30,000 इसकी प्राइस होने वाली है, तो अब देखते हैं इंडिया में इनकी क्या प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। मच वेटेड आईफोन 13 सीरीज़ के बारे में बात करें तो 4 iPhone 13 यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। सबसे पहला iPhone 13, 13 mini, 13 Pro और 13 Pro Max, जिस तरह से पिछले साल iPhone 12 सीरीज़ यहाँ पर लॉन्च हुई थी। सबसे पहले अगर इनके डिस्प्ले से स्टार्ट कर लें तो iPhone 13 mini में 5.4 इंचेस का एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले एप्पल ने अनाउंस किया है। वहीं पर एप्पल iPhone 13 में 6.1 इंचेस का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। सभी डिस्प्ले जो है फुल HD OLED में हमें देखने को मिल जाते हैं। एप्पल iPhone 13 Pro और 13 Pro Max के बारे में बात करें तो 13 Pro में 6.1 इंचेस का OLED डिस्प्ले है, वहीं पर 13 Pro Max में 6.7 इंचेस का एक बड़ा सा OLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। तो iPhone जो 13 और 13 Pro हैं उनमें सेम क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाता है। अब यहाँ पर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो सभी स्मार्टफोन्स में IP68 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सेरामिक शील्ड यहाँ पर यूज़ की गई है और एप्पल कहता है कि स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में सबसे टफेस्ट ग्लास यहाँ पर एप्पल ने अनाउंस किया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलर्स वेरियंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैग सेफ इन सभी स्मार्टफोन्स के साथ अवेलेबल है। 5G मिलीमीटर वेव भी यहाँ पर यूज़ की गई है, जो कि इमरजेंसी वगैरह में, यानी कि अगर आपके पास सिग्नल नहीं होगा तो उस टाइम भी आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। कैमरास के बारे में बात करें तो इस बार काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमें सभी स्मार्टफोन्स के कैमरास में देखने को मिली हैं, और एप्पल आईफोन 13 और 13 मिनी में सिर्फ 2 सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं, वहीं पर 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में 3 सेंसर हमें देखने को मिल जाते हैं, और सभी सेंसर 12 मेगापिक्सल के हैं फ्रंट और बैक सभी में। तो यहाँ पर 4K 60fps पे आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही सिनेमैटिक मोड भी यहाँ पर अनाउंस किया गया है, जो कि आपकी वीडियोस को एक मूवी लाइक एक्सपीरियंस देने वाला है। तो मुझे लगता है कि सेलिंग का सबसे की पॉइंट ये फीचर यहाँ पर बनने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इन आईफोन्स में देखने को मिल जाती है। नोच जो है रिड्यूस की गई है, और बैटरीज के बारे में बात करें तो आईफोन 13 में 3095 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, लेकिन वहीं पर आईफोन 13 मिनी में 2
1406 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है। अगर वहीं पर अगर हम iPhone 13 Pro के बारे में बात करें तो 3095 mAh की बैटरी इसमें भी है, लेकिन वहीं पर iPhone 13 Pro Max में 4352 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर iPhone 13 और 13 Pro में डिस्प्ले और बैटरी में हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो iPhone 13 $799 से स्टार्ट होता है और iPhone 13 mini $699 से अराउंड स्टार्ट हो रहा है। 13 Pro के बारे में बात करें तो $1000 के करीब इसकी प्राइस है और 13 Pro Max $1100 के करीब जो है इसकी प्राइस यहां पर निकल कर आई हुई है। तो ये जो है दोस्तों सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, ये अभी इनका फर्स्ट इंप्रेशन है। बाकी फ्यूचर में इनके बारे में जो वीडियोस होंगी मैं आपके लिए लेकर आने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट कीजिए, जो इनके बारे में आपका एक्सपीरियंस है, एक्साइटमेंट है, नीचे कमेंट पर जरूर बता सकते हैं। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।